अच्छा, क्या आपने टोल एक्ट पढ़ा है? आप जरूर अगर न्याय विभाग से हैं पढ़े होंगे। रुको, दूर रखो इसको, कार्ड दूर, पीछे हो जाओ थोड़ा, डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ जी बताएं, टोल एक्ट में पढ़ा है कि नहीं? आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो क्या लिखा है उसमें आपके लिए? आप पढ़े ही नहीं हैं। सुनिए, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट से नहीं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। दूसरी बात कि आप लेन जाम किए हैं तो आप कहीं से भी होंगे, मैं इतने कानून निकालूंगा जैसे आप कानून फंसाते हो निकालते हो ना। इतनी तारीखें आप लोग लेते हो, आम आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी आत्मा मरने लगती है। लीड निकाल के थोड़ा बात करें जी। एक तो आप अपनी कहते जाएंगे, आप अपनी कह दीजिए। हमने लेन जाम नहीं किया। किया है आपने? क्यों किया? आपने किया? कितनी देर से आपकी गाड़ी खड़ी है? 10 मिनट से। क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है? जब आपने टोल एक्ट पढ़ा है और आपको पता है हाई कोर्ट के जज फ्री हैं, आप नहीं फ्री हैं, आपने क्यों? आपका मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कि सर आप अपने किसी अधिकारी से मेरी बात करा दो। जब आपको पता है कि आप फ्री नहीं, फिर अधिकारी से बात करना था आपको गाड़ी। सुनिए एक मिनट, आप कहीं से आ रहे हैं? आपने अपने अधिकारों का मतलब गलत इस्तेमाल कर डाला राजस्थान एमपी में। आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर डाला, कराइए आपने, पेमेंट दीजिए। आप पेमेंट दीजिए। नहीं करूंगा, आप रूल नियम से बढ़ के न्यायालय भी नहीं है, नियम में आप फ्री नहीं, आप पेमेंट दीजिए। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से वायरल हो रही टोल प्लाजा के एक वीडियो में कर्मचारियों और मैनेजर द्वारा की गई कार्यवाही को लोगों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। इस वीडियो को बरेली मुरादाबाद टोल प्लाजा की बात कर वायरल किया गया है। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों और कर्मचारियों के बीच नोकझोंक होना तो आम बात है, लेकिन पिछले कई दिनों से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो कुछ अलग हटकर है। वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने इसे बरेली से मुरादाबाद की साइड टोल का बताकर वायरल किया है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख और सुन रहा है कि कार स्वामी खुद को कोर्ट से जुड़ा होने के कारण टोल टैक्स से बचने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद टोल मैनेजर द्वारा जो पार्ट कार में बैठे व्यक्ति को पढ़ाया गया उसकी सब जगह तारीफ हो रही है। हालांकि टोल टैक्स तो मात्र 80 रुपये का ही है, लेकिन इतनी देर हुई बहस में निकल कर आया कि कार स्वामी फ्री में निकलना चाहते थे। चूंकि इस वीडियो को बरेली से मुरादाबाद की साइड का टोल बताकर वायरल किया गया था जो वायरल हो रहा है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम मुरादाबाद स्थित टोल प्लाजा पहुंची और टोल प्लाजा हेड योगेश चौधरी से इस वीडियो के बाबत जानकारी की। वीडियो देखने के बाद वो बोले कि इस वीडियो को लेकर कई लोगों ने उनसे सच्चाई जाननी चाहिए, जो हमारे माध्यम से बताना चाहते थे कि ये वीडियो मुरादाबाद का नहीं है, किसी दूसरी जगह का है और किसी ने गलत तरीके से वायरल किया है। हाँ, जो संदेश इस वीडियो में टोल मैनेजर दे रहे हैं वो सही है। मेरा नाम योगेश चौधरी है। तो वीडियो वायरल है कल दो दिन से जी, किसी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है, उसमें लिखा गया बरेली टू मुरादाबाद जी। देखिए, क्या मैसेज है आपका? ये जो वीडियो है ये हमारे टोल प्लाजा, हमारे मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेस वे में 2 टोल प्लाजा हैं, इसमें किसी भी टोल प्लाजा की ये वीडियो नहीं है। अच्छा, ये मैं वीडियो देख कर पता चला कि मेरे पास फ़ोन भी आए, पता चला किसी लोगों द्वारा बताया गया कि बोले एक वीडियो वायरल है जिसमें मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेस वे का नाम है, बाकी ये किसी ने गलत टैग किया हुआ है, ये हमारे दोनों टोल प्लाजा में से किसी की वीडियो नहीं है। अच्छा, क्या मैसेज क्या दे रहा है व्यक्ति? आपको सुना होगा, आपने मुझे दिखा दिया, क्या मैसेज दे रहा है? उसमें ये मैसेज दे रहे हैं, कोई अपने आप को जज बता रहे हैं, न्यायालय से बता रहे हैं और एग्जम्पशन के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं टोल मैनेजर, बोले आपके लिए एग्जम्पशन नहीं है। मान वो घटना अगर आपके साथ होती है, आपके टोल क्या होना चाहिए इसका, क्या मैसेज देंगे देश को? मैसेज तो यही देना चाहिए, जो लीगल वे में एग्जम्पशन है वही लोग आके टोल पे एग्जम्पशन लें, बाकी पीछे जो गाड़ी खड़ी होती है उनको परेशानी होती है, समय और डीजल का खर्च होता है फिजूल में। मैसेज तो एक प्रकार से ठीक है कि लेन ब्लॉक करना एक गलती होता है, पीछे वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है।